السلام عليكم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل

दूसरों तक ये बातें पहुँचाए आज पांच सितंबर 2020 हजार है और यमी उस है हिंदुस्तान के एक अजीम उस्ताद सरोपली राधा कृष्णन जब हिंदुस्तान के दूसरे सदर मुंतब हुए तो दूसरे लोगों की तरह बच्चे भी उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारक देने सदारती महल पहुंचे उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि उन्हें ज्यादा खुशी इस बात पर होगी अगर उनका योम पैदाइश बतौर इस मनाया जाए और उस दिन की अजमत और उनकी जिम्मेदारियों पर शेर हासिल बहस की जाए सामीन अजमती उस्ताद बहुत है हमें इस चीज का अंदाजा करना चाहिए क्योंकि हम सब उस्ताद ही की वजह से इस मकाम को पहुंचे हैं जहाँ आज हम खड़े हैं उस्ताद फरोग इलम का वाद जरिया होता है लेकिन उसके इलम से फायदा वो नेक वक्त उठाते हैं जिनके सीने में अदबो इसम की नामत हो कऊल हजरत रद्लाजर वल इल्मु समरुन यजदून समरु बिदून शजर यानी अदब दरख्त है और इल्म मेवा तो कैसे कोई मेवा हासिल कर सके अगर उसके पास दरख्त ही न हो मजीद हजरत अली रद्ला तु का कौल है जिसने मुझे एक हरबी बताया मैं उसका गुलाम हूं वो चाहे मुझे बेच डाले आजाद करे या गुलाम बनाए रखे आलिम का हक हाँ यह है कि उसके आगे न बैठो और ज़रूरत पेश आए तो सबसे पहले उसकी खिदमत के लिए खड़े हो जाओ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तनुमा जब अपने उस्ताद उबे बिन क़ाब के घर जाते तो उनके दरवाजे पर दस्तक न देते बल्कि खामोशी से उनका इंतजार करते हत्ता कि अपने मामूलात के मुताबिक उबे बिन का बाहर आते को ये बात गिरा गुजरी एक दिन कहने लगी आपने क्यों दरवाजा नहीं खटखटाया ताकि मैं बाहर आ जाता और आपको इंतजार की जहमत न उठाना पड़ती आप रज तन ने जवाब अल-आलिम फ़ी कौम ही, ही। वक़त फ़ी जरत जैद बिन हारिस रदील तन एक जनाजे में नमाज पढ़ाई फिर उनकी सवारी के लिए खच्चर लाया गया अब्दुल्ला बिन अब्बास रदील तु आगे बढ़कर रिकाब थाम ली हजरत जैद रदील तन ने यह देख कर कहा ऐसूल आप हट जाए इस पर हजरत अब्बास रज ने जवाब दिया उल्मा और अकाबिर की इज्जत इसी तरह करनी चाहिए सयद ना इमाम अब और आपके उस्ताद इमाम हिमाद बिन सलेमान रहा के घर के दरमियान सात गलियों का फासला था लेकिन आप कभी उनके घर की तरफ़ पाऊ करके सोए नहीं आप दौरान दरस अपने उस्ताद के बेटे के इतरा में खड़ा हो जाया करते इमाम हमाद की हमशीरा आज का कहती थी कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहा ला, हमारे घर की रोटी धुंते दूध और तरकारी खरीद कर लाते और इसी तरह के बहुत से काम करते थे इमाम अहमद रहमत ला एक बार मर्ज की वजह से टीक लगाकर बैठे थे असनाय गुफ्तु इब्राहिम बिन तहमान अल्लाह का जिक्र निकलाया उनका नाम सुनते ही आप फौरन सीधे होकर बैठ गए और फरमाया कि ये बात नाज़ेब होगी कि नेक लोगों का जिक्र हो और हम इसी तरह बैठे रहें इमाम शाफी रहमत फरमाते हैं कि इमामी मालिक रम्ह ला की सोहबत ने दर्स बावक होती थी तमाम तलबा मदद बेचते, यहाँ तक कि हम लोग किताबों का वर्क आहिस्ता उलटते कि खर खराहट की आवाज़ पैदा न हो इमाम काजी अबू यूसुफ़ रहा फरमाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नमाज पढ़ी हो और अपने उसद अबू खनीफा के लिए दुआ न मांगी हो हारू रशीद के दरबार में कोई आलिम तशरीफ़ लाते तो बादशाह उनकी तज़ीम के लिए खड़ा हो जाता दरबारियों ने कहा इससे सल्तनत का रोब जाता रहता है तो उसने जवाब दिया दरबारियों ने कहा कि इससे सल्तनत का रोब जाता रहता है तो उसने जवाब दिया कि अगर दीन की तज़ीम से रोब सल्तनत जाता है तो जाने ही के काबिल है हार रशीद ने अपने बेटे मामून को इल्म व अदब के हसूल के लिए इमामी असमी रहा अला के सपर्द कर रहा दिया था एक दिन हार रशीद उनके पास जा पहुंचा, देखा तो इमाम असमी अपने पावों धो रहे हैं और शहजादा पावों पर पानी डाल रहा है हार ने बरहमी से कहा मैंने तो इसे आपके पास इसलिए भेजा था कि आप इसको अदब सिखाएं। आपने शहजादे को ये हुक्म क्यों नहीं दिया कि एक हाथ से पानी डाले और दूसरे हाथ से पाव धोई अब आए इस की जिम्मेदारियों की भी बात करें असातिजा के हाथों में कौम की तकदीर होती है वही कौम को बामे उर्ज भी अता कर सकता है और कौम को रोबा जवाल भी कर सकता है बच्चों की जहनी नशोद नमा जिसमानी नशोदोनुमा और जबली सलाइतों की नशोद नमा करना ज़िम्मेदारी है बच्चा हर चीज़ सीखने के लिए बेताब होता है क्यों उस्ताद उसे हर वो चीज़ सिखाई जिससे वो इल्म अदब के उपक् को छू सके बच्चे के दिल में डर होता है जवाब देने का डर सवाल करने का डर उस्ताद से बात करने का डर बच्चों के सामने आकर तकरीर करने का डर यह डर उस्ताद को ही दूर करना है यह डर दूर हुआ तो बच्चा पढ़ने लिखने और बोलने के हुनर में ताक रहेगा वह बेदड़क अपनी कमजोरियों को उस्ताद के सामने लाएगा उस्ताद कला में इस तरह क्लास में इस तरह आए कि हर हर बच्चे के होंठों पर मुस्कुराहट और चेहरे पर खुशी के आसार पैदा हों किसी को भी यह डर न सताए कि उस्ताद किसी भी लम्बा उसकी पगड़ी उछालेगा और उसे बेइज्जत करेगा सबक के बहाने कापी न बनाने के बहाने या फिर अदम तवज्जो रहने के बहाने उस्ताद को चाहिए कि हर बच्चा हर वक्त उसके लिए खास तवज्जो का मरकज़ रहे उस्ताद क्लास का माहौल इस तरह तैयार करे कि तमाम बच्चे हम वक्त पढ़ने में लिखने में सवाल जवाब में एक दूसरे की कोताही को सुधारने के लिए तैयार हूँ अब आए बच्चों की जिम्मेदारियों की बातें करें बच्चे स्कूल को मस्जिद की तरह मुक़दस समझें ये सोचकर स्कूल आएँ कि स्कूल में सिर्फ अच्छे काम होते हैं यहाँ गंदी बातों और बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं स्कूल निकलते वक़्त नहाएं। वर्दी साफ रखा करें ये यकीनी बनाएं कि उनके बैग में हर वो चीज़ मौजूद हो जो स्कूल में ज़रूरत आती है माँ बाप से इजाज़त लेकर स्कूल आए हर राह चलते को मदब तौर वालेकुम कहें सड़क के किनारे खामोशी से चलें छोटे बच्चों का हाथ थामे मॉर्निंग इसम्बली को नमाज की तरह समझें मदब तौर कतारें बनाएँ नदामत के साथ प्रेयर पढ़ें और बढ़ चढ़ कर प्रोग्रामों में हिस्सा लें खुद प्रोग्राम दें और जब दूसरे प्रोग्राम देते हों तो उनकी भरपूर हौसला अफजाई करें इस पर कुछ और भी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उसा को चाहिए कि वो बच्चों के लिए एक सालाना कैलेंडर तरतीब दें जिसमें तकरीरबाजी मजमून नवीसी मशिरी ड्रामाबाजी क्विज़ और खेल कूद के मुकाबलों की फिर दारज हो इस को चाहिए कि वो बाकूली मुकाबलों का भी अहतमाम करें ऐसे प्रोग्रामों के तुफेल बच्चों की ज़िबली सलाहतों को चार चांद लगते हैं ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए दाद तहसीन हासिल करने वाले बच्चे ज़िंदगी के हर शुभा में बहुत आगे बढ़ते हैं इसजा को चाहिए कि वो हर काम मनज़म तरीके से करे, हर सबक तैयार करके लाए और पढ़ाए उस्ताद वक्ता फ़वता बच्चों और को अच्छी नसीहतें दे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाए ताकि उनमें अच्छा करने की तड़प पैदा हो जाए उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों के सामने बेतुकी बातें न करें क्योंकि इससे बच्चों में उस्ताद की इज़्ज़त कम हो जाती है उस्ताद को चाहिए कि वह स्कूल में इस तरह पेश आए कि हर बच्चा उसको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए वालद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं वालद को चाहिए कि वो बच्चों से होमवर्क करवाएँ उनकी ज़रूरिया को बर वक्त पूरा करें वक्तन फवक्तन इस के साथ बच्चों की कारदगी के बाबत पूछताछ करें उस्ताद को ख़ुद भी इज्जत की निगाह से देखें और बच्चों को भी उस्ताद की इज़्ज़त करवाना सिखाए ये चंद बातें थीं जो हमें उस्ताद के बारे में उस्ताद के काम काज के बारे में और बच्चों की जिम्मेदारियों के बारे में और वालदी की जिम्मेदारियों के बारे में हमने आप तक पहुंचाई हमें उम्मीद है कि आप सवाब की नीयत से इसे दूसरों तक शेयर करें तमाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस सवाब में आप भी शामिल हो जाएं और हम भी शामिल हो जाए शुक्रिया